नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है दलबीर सिंह मलिक जी, जो पूर्व प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली से। आज हम बात करेंगे, जो 500 वर्ष का इंतजार खत्म हुआ, राम जन्म भूमि हुई, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो दलबीर सिंह मलिक का क्या कहना है? सर, जैसे 500 वर्ष का इंतजार खत्म हुआ और राम जन्म भूमि की भूमि पूजन हुई, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखो, ये हमारा देश जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है, और अगर कोई आक्रांता किसी मंदिर को तोड़ के और उस पर अपना विराजमान स्थापित करता है तो उसे हटाया जाना ज़रूरी था। ये काम हमारे कार सेवकों ने किया और काफ़ी पहले किया, और 30-35 साल ये कोर्ट में केस चलने के बाद, तो अब अगर कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ मंदिर ही था और जन्मभूमि हमारे राम जी की थी, हमारे भगवान की थी, तो वहाँ मंदिर स्थापित होना एक अच्छी बात है। तो किस तरह आपको खुशी महसूस हो रही है, जैसे कि जो इतना उत्साह देश के अंदर था, एक दीपावली मनाई गई? देखो, दीपावली मनाई ही ऐसे जाती है, रामचंद्र जी की वजह से ही मनाई जाती है। जब वो वनवास से लौटे थे तो दीपावली का त्यौहार उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये काम अगर 2-3 महीने बाद होता, रामनवमी के टाइम होता, जो एक त्यौहार है हमारा जो हम मनाते हैं क्योंकि उन्होंने रावण पे विजय की थी, तो उस दिन ये कार्य और शोभा देता। आज तो देव सो रहे हैं। अच्छा सर, अगर हम बात करें, जैसे कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी सर, उनके द्वारा वहाँ का ताला खोला गया था, मगर आज वहाँ पे उन चीज़ों का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। देखिए, मैंने ये सारा भूमि पूजन देखा, टीवी पे देखा, क्योंकि जिन लोगों का इस आंदोलन में योगदान रहा, ये एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और उन लोगों को भी इनवाइट नहीं किया गया। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी राम राज्य की बात करते हैं, स्वर्णिम अध्याय की बात करते हैं, ठीक है ना, और पीले कपड़े पहन के या पीले रंग पुतवा के मकानों पे राम मंदिर की तरफ जो रास्ता जाता है, वो स्वर्णिम युद्ध का अध्याय नहीं हो सकता। स्वर्णिम युद्ध का, स्वर्णिम वक्त का जो है, युग का जो शुरुआत है, वो देखो सबसे मिलके तो हो सकती है, लेकिन अकेले अकेले नहीं हो सकती कि आप सभी का क्रेडिट खुद ले लें। इन्होंने तो अपने उन लोगों का, अपनी पार्टियों का भी साथ भी नहीं लिया जिन लोगों का जीवन चला गया इस आंदोलन में। मैं यहाँ बात करूँगा अशोक सिंघल जी की, प्रवीण तोगड़िया जी की, मैं यहाँ बात करूँगा इवन राजीव गांधी की भी, इवन नरसिम्हा राव की जी की भी, क्योंकि उनके टाइम में ही ये जो आज 70 एकड़ जो भूमि है, ये नरसिम्हा राव ने ही अलॉट करा के उनको दी थी अपने वक्त में। और ताले जो खुलवाए गए थे वो राजीव गांधी ने खुलवाए गए थे, तो मेरे हिसाब से तो यहाँ अपोजिशन भी होना चाहिए था। तो लेकिन जब ये लोग अपनों को ही नहीं बुला रहे हैं और वक्त गैर वक्त को भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जब देव सो रहे होते हैं तो इस तरह का कोई शिलान्यास कोई वजूद नहीं रखता। और अगर चलो कर भी लिया है राम के नाम से, तो मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत ज़्यादा गलत काम हुआ, लेकिन ये सही वक्त पे इसको करते तो इसका चार्म और बढ़ जाता और ये प्रोग्राम और अच्छा होता। देखिए, ऐसा है कि सब चीज़ों को इग्नोर करके, जैसे मंदिर की भूमि ये शिलान्यास किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसका वक्त आ रहा था, रामनवमी अभी आनी है, इस वर्ष की रामनवमी और दीपावली अभी आनी है, तो 3 महीने सारे बचे थे, देव भी उठ जाते, तो एक अच्छा मुहूर्त उसे कहा जा सकता था। पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा जल्दबाजी में, हर चीज़ में जल्दबाजी करते हैं। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम लगा लो, इसमें भी जल्दबाजी है। जैसे आपने कहा कि जल्दबाजी में ये भूमि पूजन हुआ, मगर जैसे ही जो यूपी के मुख्यमंत्री जी है, वे कह रहे कि हमने पंडितों पे, उनके सब पे वो निकलवा के उसी हिसाब से ये दिन रखा। मैं सबसे बड़ा, ये तो देखो सर कहने सुनने की बात है, यहाँ सरस्वती जो हमारे 4 मठ हैं उनकी सरस्वती की भी राय लेनी चाहिए थी, और कई लोगों ने बोला भी है, स्वरूपानंद सरस्वती ने भी बोला है, जिनके पास 2 मठ हैं, खुद इनके द्वारकाधीश है गुजरात का,
तो इनका कोऑर्डिनेशन तो उनसे भी नहीं है। जो आदमी दो दो मठों का इंचार्ज है और सरस्वती है और धर्म और हमारे मठों के न्याय सब सरोपरि है, इनको सरस्वती बोलते हैं। एक कर्नाटक में है, वो क्या नाम है, साउथ के सरस्वती हैं, एक हमारे इसके इधर उड़ीसा वाले हैं, तो किसी को भी नहीं पूछा गया। तो इस तरह से ये कार्य जो है धर्म के संपन्न नहीं होते हैं, जैसे संपन्न किए जाने की कोशिश हो रही है। राजनीति से धर्म का फायदा उठा लो और धर्म की राजनीति का फायदा उठा लो। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज।